सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, रात को तो आ गया था ये बुलेट, तो आज दिखाता हूँ आपको भी कि क्या क्या हुआ इसमें, कितने पैसे लग गए, पैसे ज़्यादा लग गए। तो फ़िलहाल देखते हैं, कुछ एक दो कमी रह गई है इसमें, उसकी भी बात करते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ आपको, ये है बुलेट स्टैंडर्ड 2011 का मॉडल और करीब करीब चला रखा है, थोड़ी इसमें मिट्टी हो गई है। 13,893। नीचे सड़क पे खड़ा हुआ था ना, तो धूल मिट्टी हो गई इसमें। बाकी एलॉयज साफ तो कर दिए हैं, बट अभी इसमें एक बार जैसे वो डीजल वॉश या कुछ हो, पेट्रोल या डीजल से वॉश होएगा ना, तो नहीं तो बहुत ही बुरा लग रहा था वे सीमेंट के साथ। तो कई कई जगह तो अभी भी है, ये जैसे फेंडर पे है। हाँ, मैंने पेंट नहीं कराया बिकॉज पहले तो मैं सोच रहा था कि पेंट वगैरह भी करवाऊँ, पर फिर वही बात आ गई कि अगर जो तो मैंने देना है, लेफ्ट साइड वाला लेना है पुराने वाला, तो पेंट करवा के मतलब नहीं बन रहा। तो बफिंग ऐसी हुई है, बफिंग से ये पूरा चमक गया। ये होती है बफ ऊपर का इंजन का, ये साइड के ये होते हैं, ठीक है। बैंड पाइप ओरिजिनल डल चुकी है, सलेंसर जो आता है कंपनी से, मज़ा तो नहीं आ रहा, बट ये है कि कम से कम आराम से बिना टेंशन के घूम रहा हूँ। घूमता तो मैं वैसे भी कम था इस पर, बट ये था कि फालतू का किसी के आगे वो करना, उससे अच्छा है कि ऐसा काम ही ना करो। तो हॉर्न भी इसमें साइड में लग गए, पहले फ्रंट साइड को थे वो अच्छे नहीं लगते थे, अब ये अच्छा लग रहा है। अब वो लेग गार्ड या जो छोटे वाला था वो भी मैंने निकाल दिया, क्योंकि स्लिम ज़्यादा अच्छा लगता है। हेडलाइट ये वाली है तो वैसे तो बेकार है ये देखने के लिए, रात के बस ये शो के लिए अच्छी है, बाकी इसकी लाइट या जो थ्रो है रात को वो तो बहुत बेकार है नहीं है एक ही बात है। इस साइड वाला भी है पूरा बफ हुआ हुआ है, इसके ऊपर ये छोटे वाला, पता नहीं इसको तो क्या बोलते होंगे, वो हॉर्न ऐसे अच्छे लग रहे हैं। बाकी हाँ, इसमें थोड़ी मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, कार्बोरेटर भी इसका वैसे चेंज हो रखा है, बट या तो मेरे को लगता है टैंकी में हो गया होगा, अब 10-11 साल से ऐसे ही है वो। बाकी वैसे ऐसे भी ठीक लग रहा है, चलने लायक। बाकी इसमें सोचा मैंने, जहाँ जैसे ये है फेड ही हो गया और कुछ पता नहीं, इस पर इतने पे तो टेपिंग करा लूँगा, यहाँ से यहाँ तक वो करवा लेंगे। बाकी ये तो इसका ठीक है, सीट ये दूसरे वाली लगा रखी है इसमें, पीछे वाला एलॉय भी थोड़ा थोड़ा रह गया हुआ है कुछ कुछ बीच में सीमेंट का। इसमें एक तो मेहनत ही बहुत थी, यहाँ से बहुत गंदा हो रखा था ये, पर ये है कि अब इसमें कुछ जो होता होगा, पेंट होता है या जो भी, वो होना ज़रूरी है। बाकी इसमें यहाँ से आती थी वायर पहले, तो इसका भी मैंने वो चेंज करा रखा है। इसमें जो भी है वायरिंग इसकी,
वायरिंग इसमें नहीं तो यहाँ पर बहुत सारा वो हो जाता है। ये नए वाली है, नए वाले मॉडल की डली हुई है इसमें। ये चेंज करना भूल गया रिफ्लेक्टर जैसा। फ्रंट का टायर भी इसमें नया ही डलवाया मैंने, वो भी 10 साल पुराना हो गया था इसलिए। बाकी ऐसी स्लिम सी अब थोड़ी लुक आ रही है, नहीं तो सेफ्टी गार्ड से थोड़ी ऐसे थोड़ा प्लेस जगह ज़्यादा ले लेता है, ऐसे अब जगह भी कम लेगा। बाकी इसमें जो अब नए बुलेट आ रहे हैं उनसे तो ज़्यादा पावर है, इसमें पावर बहुत है। अगर जे तो आप एक्सीलेटर देके इसका क्लच छोड़ देना तो ये क्या बोलते हैं उसको, व्हीली बोलते हैं वो लग जाती है। एवरेज बहुत है इसकी 55, मिनिमम 55 ये देता ही है। तो कुछ अब इस तरह से लग रहा है ये फ्रंट से। बाकी अगर जो तो मेरा अब उसका नहीं बनता है, बिकॉज इसलिए नहीं बनता है, उनकी मेल तो बहुत सारे रहे हैं मुझे लेफ्ट साइड वाले, किसी की भी फिटनेस नहीं है, सबकी एक्सपायर हो रखी है फिटनेस, तो वो लेके फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा तो फिर यही है, मुझे अभी 2026 तक है इसकी, उसके बाद भी मैं 5 साल, फिर उसके बाद 5 साल, मतलब 10 साल और, तो कम से कम कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, सड़क पे आराम से चला सकते हैं। बाकी कुछ क्रोम वगैरह अच्छा चमक रहा है, बस थोड़ी फ्यूल टैंक पे है, बाकी फ्यूल टैंक साइडों से ठीक है, बस ऊपर से हुआ हुआ है। बाकी इसको और करवाऊंगा एक दो बार डीज़ल वॉश वगैरह तो चमक जाएगा, अगर जो उससे पहले मेरा दूसरे का बन गया तो वेल एंड गुड है, फिर तो उसी का ही करूँगा, क्योंकि रखना तो स्टार्टिंग से वो ही था। बट प्रॉब्लम ये होगी कि जिस टाइम मैं इसको लेने गया मुझे ध्यान ही नहीं था, मेरे को सिर्फ एनफील्ड और ये वाला मॉडल ही चाहिए था, तो मैं ले आया। बाकी चलाने में तो इसमें कोई वो नहीं है, मिसिंग है उसका मैं देख लूँगा क्या है, थोड़ा कचरा वगैरह होएगा या तो टैंकी में, कार्बोरेटर तो नया था टैंकी से ही हो रहा होएगा, वो करवा लेंगे साफ इसकी कंपनी में ही करवा लेंगे, नहीं तो जहाँ भी। बाकी ये जो तैयार किया है, मतलब जो भी काम किया है वैसे अभी तक जो भी मैं करवाता हूँ इसमें, ये संजू भैया है हमारे बाईपास पे, जो तो लोकल होंगे या जो शिमला वगैरह से भी होंगे इधर उधर से, तो उनको पता ही होएगा संजू भैया हैं रिबॉन में, वो करते हैं, वो सिर्फ बुलेट का ही करते हैं और दूसरी किसी भी बाइक का नहीं करते हैं, ओनली एंड ओनली रॉयल एनफील्ड। अच्छा काम करते हैं, मन से करते हैं, तो अच्छा लगता है जब कोई अपना बाइक समझ के करता है। तो उन्होंने बहुत इस पे मेहनत करी भैया ने, संजू भैया रिबॉन से हैं, मतलब उनकी शॉप है वहाँ पर, तो उन्होंने ही मुझे बड़े प्यार से ये करके दिया,
करवाने को पूरा करवा लेता, पर उन्होंने ही मुझे सजेशन दिया कि अभी रहने दे, जे रखना होएगा तेने तो फिर गर्मियों में करवाइयो इसको, नहीं तो अगर जे तेने नहीं, क्योंकि उनके पास भी है एक क्लासिक है लेफ्ट साइड वाला रेड कलर में, वो उसको तैयार कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अगर जो उसको रखना होएगा तो फिर वो रख ली, जो तेरा दिल इसको नहीं करेगा तो बाकी देखते हैं वो, या फिर स्टैंडर्ड ही, मतलब जिसका मुझे कागज भी मिले ना तो वो रख के मुझे फ़ायदा है, तो उनमें से देखूँगा, बाकी जैसा जैसा होएगा अपडेट देता रहूँगा। और अब चलते हैं घर को, इसको खड़ा कर देते हैं साइड पे, और घर चल के बाकी बता दूंगा, बिल जो है वो भी दिखा दूंगा, मतलब वो पक्का बिल तो नहीं होता है वैसे जो उन्होंने मुझे दिया है लिख के, तो वो बता दूंगा 9,900 समथिंग का है, 10,000 के करीब, तो वो बता दूंगा, वो भी डाल दूंगा नहीं तो। और बाकी मज़ा आ रहा है बाइक में, नहीं तो पहले तो बहुत ये दिल नहीं करता था इसको चलाने का, क्योंकि बहुत इस साइड हो गया ऊपर फ्यूल उससे वो गिरता था, तो सारा इस साइड से ख़राब हो चुका था, यहाँ यहाँ से सारा। फिर मैंने इसमें ये लॉक वाला लगा रखा है, लॉक तो नहीं, वैसे तो ये खुल जाता है ऐसे, तो इसमें पेचकस भी कोई भी चाबी डाल दो ये हो जाता है ऑन, तो पर ये रहता है इसमें फ्यूल का ना, क्योंकि दूसरे वाला तो जो कंपनी से आता है ऑन ऑफ का, उससे तो बहुत आसानी से तेल निकल जाता है, इससे ऐसा होता है कि चलिए ऐसे नॉर्मल बंदा नहीं निकाल सकता, ये है। अब ये पाइप शायद भैया ने छोड़ दी है ऊपर को, इसको जाना चाहिए था यहाँ से नीचे कहीं, चलिए खुद ही डाल देते हैं यहाँ से नीचे को, ये होती है एयर की पाइप होती है, जिससे थोड़ा वेस्ट वूस्ट वाला तेल जो है वो निकलता है, इधर से ही जानी थी है। कि ये जाएगी इधर से, इसमें से भी कुछ कुछ तेल का आ रहा है, काफी दिख रही है ये भाई, लंबी तार है तो चलिए हो जा नीचे को, बाकी ना इस बुलेट में पैसा बहुत लगता है, वैसे जिन जिन जिनके पास भी होएगा बुलेट पता ही है उनको कि पैसा इसमें बहुत लग जाता है, मतलब मारुति रखो आप या ये रखो तो बात एक ही है, मतलब मारुति से भी ज़्यादा ही इसमें खर्चा आता है, तो चलिए अब मिलते हैं घर जाके, अभी एक बच्चा, उससे भी आपको किसी दिन अच्छे से अलग वीडियो बनाऊंगा उसकी, अपने ब्रूटस की एक दिन अलग से बताऊंगा उसका, बहुत प्यार करता है वो, हमारे बिना रहता नहीं है, तो चलिए अभी चलते हैं घर, बाय बाय।